मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। जब से रमज़ान का महीना शुरू हुआ है, हॉकर्स का मुद्दा बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि रमज़ान में सड़क किनारे हॉकर्स को धंधा लगाने का इजाज़त नहीं है। मगर आज हॉकर्स को लेकर बड़ा बवाल हो गया। तनवर नगर पुराना पेट्रोल पंप की जगह पर शानू पठान ने हॉकर्स के लिए मंडप लगाया है, मगर आज पर्ची उठाने के वक्त बवाल हो गया। देखिए किस तरह का ये बवाल हुआ। बताया जा रहा है कि धक्का मुक्की भी हुई है। हालांकि मामला बढ़ने के बाद सभी हॉकर्स पुलिस स्टेशन पहुंच गए। पुलिस स्टेशन में एसीपी रमेश धुमाल और मुमरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मधुकर कड़ और टीएमसी के मुमरा सहायक आयुक्त महेश आहिर ने हॉकर्स के साथ मीटिंग की और सड़कों का जायजा भी लिया। हालांकि पुलिस स्टेशन के सामने कुछ लोगों ने बताया कि कल से सड़क किनारे हॉकर्स मार्केट लगाएंगे, मगर जब हमने ये बात टीएमसी के मुमरा सहायक आयुक्त महेश आहिर से जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि अभी किसी को भी सड़क के किनारे धंधा लगाने की इजाज़त नहीं है। हम कमिश्नर संजीव जायसवाल से इस पर चर्चा करेंगे। उनके निर्णय के बाद सड़क किनारे धंधा लगाया जाएगा या नहीं, ये फैसला होगा। मतलब कल से रोड पे धंधा लगेगा नहीं लगेगा तो एकदम कंफर्म नहीं है। अभी तक कुछ बात नहीं हुआ ऊपर, अभी तक मैं कुछ बोल नहीं सकता अभी नहीं। मगर सवाल अब भी बरकरार है कि बेचारे हॉकर्स ना ही सड़क पर धंधा लगा पा रहे हैं और ना ही तनवर में लगे मंडप में। तनवर में जो मंडप लगाया गया है उसमें बवाल पे बवाल हो रहा है। पहले पैसे को लेकर बवाल हुआ, अब गाले बांटने को लेकर बवाल हो रहे हैं। हर कोई लिस्ट बनाकर पहुंच रहा है, इतने गाले हमें चाहिए। खबर ये भी आ रही है कि कुछ नेता भी लिस्ट भेज रहे हैं कि इतने गाले हमें चाहिए, मगर शानू पठान का कहना है कि सिर्फ हॉकर्स को ही गाले दिए जाएंगे। गाले की पर्ची उठाने पर होने वाले बवाल पर क्या कहा है शानू पठान ने? शानू भाई, यहाँ पर जो है ये भी बताया गया कि जो 300 कुछ गाले बनाए गए हैं, जिनमें से 40 से 50 गाले जो है ये नेता वो नेता उनके तरफ से इनके तरफ से लोगों को फ्री दिया जा रहा है। उसके बाद लोगों को जो है जो बच रहे हैं उन पे 4,000 के डिवाइड किया जा रहा है, ये क्या है? देखिए ऐसा है कि मैं आपको साफ बता देना चाहता हूँ कि हम लोग भी चाहते थे कि मुमरा कोसा के अंदर लोगों को रमज़ान मार्केट के लिए जगह दी जाए, लेकिन कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर साहब, म्यूनसिपैलिटी कमिश्नर साहब ने जब बोल दिया कि हमने मार्केट मित्तल में अलॉटमेंट कर दिया हॉकर्स के लिए पहले ही 3 महीने पहले, तो रोड पे लोग क्यों धंधा लगाएंगे? उसके बाद रमज़ान के लिए, रमज़ान मार्केट ईद के लिए लोग खरीदी करने के लिए मुमरा में आते, इसीलिए कैसा क्यों कहाँ दिया जाए इसकी व्यवस्था करना चाहते थे। हाल ही में ये जगह हम लोग सब ने मिल के, आमदार साहब ने मिल के जगह मालिक से बात की, उन्होंने फ्री में दिए। लेकिन जो मंडप बांध रहे, जो लाइट मंडप मीटर ये सभी का जो खर्चा है, उनको जो लोग बनाएंगे, जो लोग लेने वाले उनको डिवाइड कर देंगे, उसका खर्चा का जो था लगभग 5,000 रुपये तक का, 4,850 कुछ आ रहा था, फिर उसने 4,150 का कोटेशन दिया। लेकिन हम लोग ने आयरे साहब, हम लोग आमदार साहब से और क्या बोलते शमीम खान साहब, सीनियर साहब, एसीपी साहब से डिस्कशन किए। आमदार साहब ने बोले कि उसको इतना पैसा नहीं लिया जाएगा, जो डायरेक्ट जो मंडप बांधा है उसको लोगों से दिला दो और सामने कर लो मंडप वालों को। और उसके अलावा एक और बात बोले आमदार साहब ने कि जिनके पास समझो 3,500, 4,000 भी नहीं है, अगर वो उतना भी नहीं दे सकते तो संघर्ष की तरफ से हम उसको 1,000-1,500 रुपये की मदद करेंगे कि उसको कम से कम उसको 50-100 लोगों की मदद करेंगे, तो कम से कम में उनको एक गाले मिल जाए। जो गाली गलौज हुई है वो आपके ही तरफ से, आपके लोगों की तरफ? मैं मुझे एक प्रूफ बता दीजिए कि मैंने कोई गाली दिया हूँ, ऐसा नहीं, वो उनको आदत है। वीडियो में धक्का मुक्की करते हुए है, मैं शानू भाई नहीं, आप नहीं है, आपके लोग हैं? नहीं, यही लोग हैं, बचाव कर रहे हैं, ये लोग नहीं कर रहे, वो सिर्फ बीच बचाव कर रहे हैं, वो लोग थे बीच बचाव कर रहे थे, वो उन लोगों ने आके यहाँ पे कुछ लोगों से बदतमीजी की और बदतमीजी के गाली गलौज चिल्ला रहे थे, तो बीच बचाव लोग धक्का मुक्की हो रही थी, पर वो बदतमीजी कर रहे थे तो उसी ने हो गई। लेकिन आप भी तो थे यहाँ पर, मैं था ना, मैं अंदर बैठा था, मैं कैबिन के अंदर बैठा था। आपको आना चाहिए था बाहर। अरे मैं आया तक, जब तक मैं 4:30 बजे का टाइम, 4:45 बजे का टाइमिंग था, अरे साहब और सब डिपार्टमेंट के लोग आने वाले थे, मैं उनका इंतजार कर रहा था। मैं सोचा जैसे बाहर हमेशा चिल्लम चाली चलती है हॉकर्स की लिस्ट के लिए, वैसे चिल्लम चाली हो गई। लेकिन उनको बाकायदा वो पी प्लानिंग प्लान से वो ये करने के लिए आए थे और वो एक कामयाब नहीं हो पाएंगे चाहे वो कितनी भी कोशिश कर लें। वो क्यों कर रहे थे? ये लोगों के सामने उनको लिस्ट दिए थे उन्होंने, आप इनसे पूछ लीजिए।
शानू भाई ने अनाउंस किए कि भाई 4:30 बजे आप लोगों को सबको जो है ना टोकन नंबर दिए जाएंगे, आप लोग अपनी अपनी लाइन लगा लो और अपने अपने जो है ना ग्रुप को खड़ा कर लो, सबको टोकन नंबर दिए जाएंगे। पब्लिक सब एग्री थी। उसी बीच में रफीक कामदार साहब आते हैं और यहाँ पे 10 से 15 लोगों को जमा करके उनको बोलते कि कोई भी भाड़ा नहीं देगा। अच्छा। और यहाँ पे भाड़ा नहीं लिया जा रहा है, यहाँ पे सिर्फ क्या लिया जा रहा है, जो एक्चुअल जो खर्चा हुआ है डेकोरेशन का, मंडप का, वही लिया जा रहा है। भाड़े की यहाँ पे बात ही नहीं आती है। और वहाँ से थोड़ी देर के बाद में रफीक कामदार साहब आते हैं कि भाई हम लोग भाड़ा नहीं देंगे और हम लोग को जगह नहीं चाहिए। तो शानू भाई ने बोले कि भाई जिसको जगह नहीं चाहिए वो एक काम करो, बाहर चले जाओ और आपकी लिस्ट ले लो और आप बाहर चले जाओ, जिसको जगह चाहिए वो यहाँ पे रहेगा। ये बात हुई। उतने में जो है ना शानू भाई थे अंदर, ऑफिस के अंदर बैठे हुए थे। रफीक कामदार ने क्या बोला, ऐसा इधर उधर देखा और देखने के बाद में बोला कि शानू ने गाली दिया मेरे को, और वहाँ पे शानू भाई मौजूद नहीं थे। बस इसकी वजह से जो उनके साथीदार लोग थे वो लोग उनके अंग पे आए, ये शानू भाई के जो साथ में जो थे ना उन लोग ने बीच बचाव किए। और ऐसा कोई मामला था नहीं, खाली बस बिगाड़ना था कि भाई ये मार्केट नहीं लगे, बस यही मकसद था और कोई मकसद नहीं था। लोग 25-25 हज़ार रुपये में रोड के गाले खरीदते थे, उनको 4,000 रुपये में अगर ये मंडप का खर्चा कोई लगाने वाला मंडप वाला ले रहा है तो हम मंडप वाले को कैसे बोल सकते, और हम आमदार साहब को क्यों बोले कि जो साहिब माल है उसको भी देने बोले और जो गरीब है उसका भी देने बोले। नहीं, कुछ लोग ग्रुप के लड़के लोग भी आपस में पैसा जमा कर धंधा करते, तो 4,000 कोई बड़ी बात नहीं है, उनको डेकोरेटर को दे देना चाहिए। एक बात, अगर जो गरीब है, जो ज़रूरतमंद है, वो नहीं दे सकता एकदम, तो हम हमारी ट्रस्ट की तरफ से उसको 1500 रुपये देने वाले। सर यहाँ पर कुछ लिस्ट लेकर आए थे, उससे आप लोगों का एतराज़ था, तो ऐसी खबर भी आई है कि बीजेपी के जो रीदा रशीद है उन्होंने भी लिस्ट। नहीं, रशीद और बाकी दूसरे भी लोग, शिवसेना के लोग, MIM के लोग, उनकी भी लिस्ट है। उनका ये बोलना है कि ये सुनिए ना, सुनिए ना, उनने बोला, उनका ये बोलना है, ये किस्मत पे धंधा लगाता था, ये अली चमर के पास लगाता था, ये सब उन्होंने बोला। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रॉस वेरिफिकेशन कर रहे हैं, जो लगाता था उससे पूछे, ये लगाता था और म्यूनसिपैलिटी की पावती भी पूछ रहे। यानी आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि लिस्ट आई हुई है वहाँ से भी? अरे लिस्ट तो 1,000 के ऊपर लोगों की आई है, शहर से लिस्ट आएगी, पूरे शहर के लोग चाहते हैं लिस्ट को, हम कैसे करेंगे। 1,000 लोगों की डिमांड है कि 10,000 रुपए में गाला दे दो। तो फिर आपको रफीक कामदार की लिस्ट पर एतराज क्यों हुआ? वो NCP के और हमारे लोगों की सुपारी लेके रखे है, वो एक साल से यही कर रहे हैं और आगे भी यही करेंगे, आप देख लेना। कुछ लोग आपके बारे में जो है विरोध भी किए हैं, गालियां भी दी हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है, क्या है पूरी? नहीं, पहले आप दूर भी थे या फिर अंदर अंदर कुछ मार्केट के लिए काम भी कर रहे थे? नहीं, एक्चुअली मैं पहली बात तो ये है कि मैं आउट ऑफ बॉम्बे था, 15 डेज में मुंबई में नहीं था, UP के इलेक्शन में बिजी था मैं। हॉकर्स की समस्याएं आपके सामने मैं ये देख रहा हूँ फिरोज भाई, कि अल्हम्दुलिल्लाह इस बार जो रोड की हालात है वो ऐसी है कि रोड एकदम क्लियर है, कोई भी ट्रैफिक नहीं है। अगर किसी को कहीं थाने जाना हो या किसी को यहाँ से अपना नेहरू निवासी या पनवेल जाना हो तो, या किसी को अफ्तार के लिए घर पहुँचना हो तो इंशाल्लाह ताला उसे वक्त नहीं लगेगा। अगर ट्रैफिक वहाँ होती थी तो उसका रीज़न हॉकर्स थे। अगर हॉकर्स के लिए इतना अच्छा, मैं चाहता हूँ कि आपके कैमरे से दिखाएं इसको आप, इतना बेहतरीन मार्केट बनाया गया, उसके लिए जो लोग अपोज कर रहे हैं मैं उसकी निंदा करता हूँ। उनको इसका अपोज नहीं करना चाहिए बल्कि उनको इसका सपोर्ट करना चाहिए। एक हॉकर्स के पीछे, एक हॉकर्स, अगर ये हॉकर्स हैं, माफ कीजिएगा आप भैया नहीं है, एक हॉकर्स के पीछे 15 लोगों का पेट पलता है, ऐसे 15 लोगों का आप श्राप मत लो, बद्दुआ मत लो, बल्कि उन 15 लोगों की दुआएं लो। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, जैसे भी मुझे आपने कहा गालियां पड़ी आपको फिरोज भाई, गालियां तो लोग PM को भी देते हैं, CM को देते हैं, लेकिन मैं चैलेंज से कहता हूं आपके कैमरे के माध्यम से, उसको जिसने गाली मुझे या मेरे आमदार या शानू पठान को दिया, उसमें दम है तो आ जाए यहाँ पे सामने मेरे, गाली दे, उसको दिखाता हूँ मैं कि गाली का जवाब क्या होता है। रही बात ये कि आज इतना खूबसूरत मार्केट बना है, इस मार्केट को लेकर के सपोर्ट करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो अभी मेरी बात शानू पठान साहब से हुई, मुन्ना भाई से हुई, मेरे आमदार डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब ने कहा और रहीर साहब से हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन किया है, तो इंशाल्लाह ताला कल मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि कल जोहर की नमाज के बाद इंशाल्लाह ताला ये जो भी हमारे हॉकर्स भाई खड़े हैं, कल इंशाल्लाह ताला यहाँ पे इन लोगों को, इनका जो भी सिस्टम है इनको बिठाया जाएगा। लिस्टिंग जो शानू भाई ने बताया
कि अभी लिस्ट इनकी बनाई गई है, लिस्ट मैंने भी देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं लोगों को बिठाया जा रहा है जो लोग यहाँ पे थे। ऐसा नहीं होगा कि कोई एक आदमी आए और कहे मुझे 18 गाले चाहिए तो उसको शानु पठान या शमीम खान प्रेशराइज होकर के 18 गाले दे दे, ऐसा कतई नहीं होगा। ये उनकी शानु भाई, ये उनकी गलत सोच है। अगर शानु भाई ने कहा कि मैं 3 गाला दे रहा था तो ये भी उन्होंने कहा कि मैं उनको कह रहा था कि 3 गाला आप फ्री ले लीजिए, पैसे मत दीजिए। उसके बाद भी आकर के आप ये चाहते हो कि शहर का माहौल खराब हो, शहर का वातावरण खराब हो, माफ कीजिए जो कोई भी है। जो मुझे अभी बताया गया, अभी क्या नाम आपका, बाबर ने बताया कि 18 गाले के लिए यहाँ पे रफीक कामदार जी आए थे लिस्ट लेकर के, अभी ये बता रहे थे लिस्ट लेकर के आए थे और कह रहे थे कि ये गाले मेरे भाई के लिए चाहिए। तो मैं उनको ही कहना चाहता हूँ, हनीफ कामगार के लिए, हनीफ का जो भी, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसा है तो गलत है। अगर शमीम खान भी आके कहे कि मेरे किसी दोस्त के लिए, मेरे किसी रिलेटिव के लिए आप 18 गाले दो, तो 18 गाले अगर शमीम खान ले लेगा, 18 गाले शानू पठान ले लेगा, 18 गाले मुन्ना साहिल ले लेगा, 18 गाले रफीक कामदार ले लेंगे, तो बाकी क्या करेंगे, ये हॉकर्स क्या करेंगे? ये हॉकर्स की मार्केट बनाई गई है सिर्फ इनके लिए, किसी नेता के लिए नहीं बनाई गई है या किसी मीडिया के लिए बनाई नहीं गई है। बताया जा रहा है कि कल पर्ची उठेगी, मगर इस लड़ाई में बेचारे हॉकर्स परेशान हो रहे हैं। आज 15 रोजा भी खत्म हो गया है, मगर हॉकर्स कभी ये लीडर तो कभी वो लीडर की उंगली पकड़कर दौड़ रहे हैं। कोई कहता है मैं लगवाऊंगा सड़क के किनारे धंधा, तो कोई मंडप बांधकर बैठा हुआ है हॉकर्स के लिए। बस कठपुतली बनकर हॉकर्स रह गए हैं। हर कोई इन्हें सहायता देने के नाम पर इन हॉकर्सों का मजा उड़ाया जा रहा है। बहरहाल अब ये देखने वाली बात है कि क्या सड़क किनारे धंधा लगता है या नहीं। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।